चलिए फटाफट से बहुत के टॉप ऑफ फंड्स पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो, तो ये वो चॉइसेस है जिनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। बताइए मोहित, कौन से फंड्स पिक किए आपने? जी तो दीपाली, मैं थोड़ी सी कैटेगरीज बताता हूँ और उसके अंदर में जो हमारे टॉप पिक्स हैं वो आपके साथ में साझा करता हूँ। तो यहाँ पर लार्ज कैप कैटेगरी जो हमेशा से बहुत ही स्टेबल कैटेगरी रहती है, वहाँ पर हमें इंडेक्स फंड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा सुझाव रहेगा प्रो ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है जिसके अंदर मैं फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, मल्टी कैप इन सब को डालता हूँ, वहाँ पर मल्टी कैप कैटेगरी हमें ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ कोटक मल्टी कैप या फिर आदित्य बिरला सनलाइफ मल्टी कैप स्कीम का आप चुनाव कर सकते हैं। जो मिड कैप कैटेगरी है, वहां पर मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर के पास में एक स्मार्ट बीटा यानी फैक्टर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और एक एक्टिव फंड होना चाहिए। तो वहां पर DSP क्वालिटी 50 मिड कैप 150 इंडेक्स फंड या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी का आप चुनाव कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक कैटेगरी हमें बहुत पसंद है वो है मल्टी एसेट कैटेगरी, जिसमें आपके पास में इक्विटी, डेट, कमोडिटीज और थोड़ा बहुत रीट, इनबिट इन सब का एक्सपोजर रहता है। तो यहाँ पर HDFC मल्टी एसेट या फिर प्रू ICICI मल्टी एसेट फंड का आप चुनाव कर सकते हैं। ये सभी हमें काफी अच्छे लगते हैं। ओके, चलिए तो ये फोर फंड्स हैं, नोट कर लीजिए, इनके साथ आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत।